नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज एमडीएन पर। दोस्तों बात करने वाले हैं सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजी और सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो बस फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजी को लेकर ये अपडेट आ रहा है कि कंपनी के क्वार्टर टू के जो रिजल्ट्स है वो कब तक देखने को मिलने वाले हैं, और सिंटेक्स प्लास्टिक भी जो है सिंटेक्स इंडस्ट्री की तरह डिलिस्ट तो यहाँ पे नहीं हो जाएगी, तो क्या अपडेट यहाँ पे रहने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का जो पैसा है वो शेयर होल्डर्स को वापस मिलेगा या नहीं, उसको लेकर क्या अपडेट नजर आ रही है, तो टोटल जो जानकारी है इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले अगर बात की जाए सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजी की, दोस्तों कंपनी ये भी जल्दी आप लोग को डिलिस्ट होती हुई नजर आने वाली है। इसके पीछे भी दोस्तों बड़ा रीजन होने वाला है, क्योंकि दोस्तों रीजन यह देखने को मिला कि कंपनी का जो है मार्केट कैप काफी ज्यादा गिर चुका है। लगातार देखा जाए तो डे बाय डे में जो है कंपनी का मार्केट कैप गिर रहा है। कंपनी सॉरी सेबी जो है लगातार कंपनी की जो है दोस्तों ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डर्स में कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर दोस्तों कोई जो रुचि यहाँ पे दिखाई नहीं रहा, तो इसके चलते दोस्तों कंपनी की जो ट्रेडिंग विंडो ही ओपन नहीं हो पा रही। अब बात रही दोस्तों सबसे बड़ी नेगेटिव कंपनी में, तो कंपनी में 141 करोड़ का अभी के टाइम जो है जो कर्ज है वो बड़ा देखने को नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो ट्रेडिंग है लास्ट एक महीने में दोस्तों सिंगल शॉर्ट ट्रेड देखने को नजर आई है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो 3 अक्टूबर को, फिर 9 अक्टूबर को, और फिर 16 अक्टूबर को, और 23 अक्टूबर को, चार ट्रेड दोस्तों लास्ट एक महीने के अंदर देखने को मिली, जिसमें भी दोस्तों देखा जाए तो 11.5% जो है गिरावट यहाँ पे नजर आई है, और लगातार जो कर्ज है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और लास्ट अगर 6 महीने में अगर देखा जाए तो आप दोस्तों इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 महीने में जो गिरावट है वो किस लेवल से किस लेवल पर आ चुकी है, तो और कंपनी कब तक यहाँ पे डिलिस्ट हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों आने वाले 5 से 6 महीने के तक दोस्तों कंपनी यहाँ पे चल पाएगी। मुझे लगता है कि आने वाले 5 से 6 महीने के पहले पहले दोस्तों कंपनी जो है डिलिस्ट होने के कगार पर देखने को मिल जाएगी, और शायद डिलिस्ट हो भी सकती है, क्योंकि दोस्तों रिटर्न अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 ईयर में जो रिटर्न है लगातार गिर रहा है, और मैक्सिमम टाइम का डेटा अगर देखा जाए तो दोस्तों शेयर की जो 105 रुपए की प्राइस से अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1 रुपए 15 पैसे पर प्राइस ऑलरेडी आ चुकी है। गिरावट अगर लगा देखा जाए तो 1 ईयर में दोस्तों 1 रुपए तक मार्केट गिर चुका है। तो दोस्तों अभी के टाइम बात की जाए सिंटेक्स इंडस्ट्रीज की, तो दोस्तों जहां तक देखने को मिला अपडेट जो देखने को मिला नजर आई थी कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब तक जो अपडेट यहाँ पे चल रही थी उस पर दोस्तों कंपनी की तरफ से जो है कोई याचिका यहाँ पे दर्ज नहीं हुई, और जो सरकारी दोस्तों जो वकील थे उनकी तरफ से भी दोस्तों अब तक कोई जो है याचिका यहाँ पे जो है अपडेट पर तौर पर यहाँ पे दी नहीं गई है। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे जहां तक देखने को मिल रहा है कि कंपनी के जो शेयर है वो दोस्तों अभी शेयर होल्डर्स को शायद से नहीं मिलने वाले, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के ऊपर कर्ज इतना बड़ा है कि कंपनी जो है अपना जो कर्ज ही नहीं पे आउट कर पाएगी, तो दोस्तों शेयर होल्डर्स को अपना जो पैसा है कहां से दे पाएगी, तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। और दोस्तों जहां तक क्लेरिफिकेशन की अगर बात की जाए तो दोस्तों सबसे जो नेगेटिव बात है वो ये देखने को नजर आएगी, बाद में भी अगर देखा जाए तो ये बात निकल के आएगी कि कंपनी के जो शेयर हैं वो शेयर होल्डर्स को नहीं मिलने वाले, क्योंकि कंपनी का जो घाटा है वो इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि कंपनी को डिलिस्ट करना पड़ गया मार्केट से, तो कंपनी का पैसा आप लोगों को शायद मुश्किल ही देखने को मिल पाएगा। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों जो केस है वो भी यहाँ पे जल्द ही क्लोज हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोनों पक्षों की तरफ से अब तक जो है कोई भी जो है यहाँ पे सुनवाई को लेकर यहाँ पे अपडेट दे नहीं रहा है, तो यही सबसे बड़ी रीजन होने वाला है। तो कंपनी का जो केस है वो जल्द क्लोज हो सकता है। पर अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी दोस्तों सिंटेक्स प्लास्टिक की अगर बात की जाए तो ये भी जल्दी आप लोग को डिलिस्ट होती हुई नजर आ जाएगी। फिलहाल दोस्तों इसका टोटल जो फंडामेंटल है वो आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ, उससे पहले बता दूं चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन पे जरूर सेलेक्ट कर लेना। दोस्तों सबसे पहले अगर यहाँ पे देखा जाए तो लास्ट सिंगल ट्रेड पर जो मार्केट पर जो गिरावट आई थी 4.17% की, और उसके विपरीत अगर यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट कैप काफी नेगेटिव रहने वाला है। रिटर्न्स आप देख सकते हैं कि किस लेवल तक नेगेटिव रहने वाले हैं, और साथ ही साथ ईपीएस रेट आप देख सकते हैं, प्रॉफिट की ग्रोथ अगर देख सकते हैं नेगेटिव यहाँ पे रहने वाली है। कर्ज की जिस प्रकार दोस्तों मैं बात कर रहा था 141 करोड़ का, सेल्स की ग्रोथ अगर यहाँ पे देखी जाए तो वो काफी नेगेटिव रहने वाली है। और दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो 3 साल का एवरेज अगर यहाँ पे दोस्तों आरओसी का अगर देखा जाता है तो 100% गिर चुका है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखा जाए तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस लेवल से किस लेवल पे, इस लेवल से दोस्तों लेवल देखा जाए तो इस लेवल तक यहाँ पे शीरा डायरेक्टली जो है यहाँ पे गिर चुका है। प्रमोटर्स की एफआई की और डीआई की तीनों की जो होल्डिंग है 0 के आसपास रहने वाली है, और अगर यहाँ पे देखा जाए पब्लिक की जो होल्डिंग है वो कुछ परसेंटेज देखने को मिल रही है, बाकी जो टोटल है पब्लिक होल्डिंग पर रहने वाला है। पर दोस्तों ज्यादा शेयर जो है पब्लिक के भी नहीं रहने वाले, क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का कर्ज और दोस्तों मार्केट कैप आप देख सकते हैं कि किस लेवल पे है, क्योंकि दोस्तों कंपनी अब देखा जाए तो एनएससी बी पर आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों पहले बीएससी एनएससी दोनों पर सिंगल थी, पर अभी टाइम देखा जाए तो दोस्तों एनएससी बीई पर आ चुकी है, तो कंपनी जल्द ही मार्केट से डिलिस्ट होने वाली है। दोस्तों जितना हो सके
जितना जल्द हो सके अब मार्केट से आप लोगों को इस सिंटेक्स प्लास्टिक क्विट कर देने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों कंपनी का डेटा जो है काफी नेगेटिव रहने वाला है, तो कंपनी जल्द डिलिस्ट होने वाली है। फिलहाल दोस्तों मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों अभी इस कंपनी में ट्रेड लेने की आवश्यकता है नहीं, और आपकी नजर में इस शेयर की ओर को अभी से जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर शेयर कर देना। और आपकी नजर में कोई पैनी स्टॉक हो तो जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।